हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगी। तो गाइज, हमारे बड़े जेठ के लड़के ने ली है गाड़ी, नवीन ने, तो आपको दिखाते हैं उसकी गाड़ी। तो वो बोल रहा है, आइए चाची देखिए हमारी गाड़ी। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए नवीन की गाड़ी किया। और पुष्पा क्या हाल है? ठीक है? और नई गाड़ी में आई है? नहीं है, नहीं है। और भाई मुबारक हो भाई, नई गाड़ी बढ़िया लगी। आपको भी नो कह रहा देव, चाबी तो लिया चिन्हू का छत्ता के मिला था नहीं तने 1100 तो दे देता छोड़ी था। गाड़ी को घुमा कर लाया, घुमा लाया कित, घुमा के लाया जोग लगा कर देवता पे दादा बेटे पे पार्टी में 10 का सो रहा के कर रखे एसी बंद हो गया। सही चल रहा, जब सही हवा लगा उसमें ऊपर गए। कौन से नए घर? अच्छा, वहाँ रहा ना, आगे में तो वहाँ नया घर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, नवीन बहुत खुशी हुई। और वो नू कह रहा था, चाची तेरे से मीठा ना खावा मैं, तेरा शुगर है ज्यादा। कौन? चीनू कह रहा था। अच्छा। तेरे नहीं आता ना मैं इडली सांभर लाऊंगा मकाठी। पूछ नहीं याद ना रही, बाहर खड़ा है वो, आ गया था ना मंदारी का पापा, वो देखा ना गड़ा गड़ा। और तानी खुश है? अच्छा, गाड़ी लेके गए थे जोत इंजन लगाना। चलो तो फिर उधार रहे हैं जल्दी चलो। किस्त क्या पुष्पा फिर आ जाइयो है? ठीक है। तो पुष्पा हरा आए थे अपनी नई गाड़ी में। चलो भाई चलती हैं। रोटी राटी बना दिया, थोड़ा सफाई कर दी तो सही करा। देख लो भाई, हमने अपना घर भी देखना, सब देखना सही है। आज मैं सोच रही हूँ, आज मैं मंदिर में हुई हूँ, लेके ऐसी महाप्राण की वो बना लाऊंगी वीडियो थोड़ी सी। सही है। हाँ, मैं मंदिर की पंडित भी बना लाऊंगी। घने दिन तो सोची थी, ये तो दूर है, सोच रहे हैं लगते तो। तो ये देखिए चलते चलते हमारी बहू को काम की टेंशन हो रही है। हाँ, बोन तो बहुत देर से आ रही है, चीन में ठंड से हो गया। क्या है काम का? बैठ गया ओ चिन्नू, किधर जावे? का पैसे दे दो। जा रहा है कहाँ? बड़े घर। बड़े घर? ओए होए, जा तो भाई, ले जा ले जा, इसने तो ले जा। इडली सांभर अगली बार पक्का ले जाना इसने चीनू, ले जा चीनू, इसने इसमें तो बाहर काट दे। यो ना पूरे रास्ते इसमें तो बाहर निकल। चलो चलो कर दे बंद। चलो भाई खुल गई। तानी का तो चश्मा घोड़ा मोटा लग गया। हां जब इसने लगवाया जान गया। हां छोटा छोटा साइज लेती थोड़ा सा ऊपर है। हां देख ली मैंने, ठीक है ओके। बाय बाय कुछ कर कुछ बना। बड़े गले मिल के गया। अच्छा, ठीक है, ले मेरे बड़ा होना चाहिए। देख,
डोडी सी भाई ये इतना ही सी देखो ना बीज होना चाहिए थोड़ा सा ये पके को ना कच्ची है ये देखिए टीट के आचार की वार्तालाप करते हुए दीदी के यहाँ होते हैं टीट के पेड़ टिंडी का अचार डाल के लाई है दीदी हमारे लिए बना लिया है नींबू का पानी ले लो दीदी खांड का है पानी ठंडा बना ले ना घना ठंडा ना ठंडा ना ज्यादा ठंडा है और मारे तो थोड़ी देर धरे रहे तो मन तो ठंडा ठंडा ही बढ़िया लगे खड़ा है इन दिनों में बीमार बाजार में तो निरी भीड़ हो रही भीड़ हो रही है टिक्का टाका लाऊ दीदी महाराज ने बांध दिया टिक्की टाकी बनी मुनी कर यार है मन लो राखी के बंधन को निभाना गाना गा दो जो गाओगी ले मेरे बंद हो गए ले बना दे कर दिया ऐड नंबर अच्छा कोडी है ये तो कोडी हुई ये क्या कर रहा है 0.5 पे इस पे रखना है ना हैं तेरा भी नंबर आवा खान का इसका दे दिए ले कितने हां पूरे खाऊंगी आधा ना खाऊं अभी ले रहे थे हाथ में पीछे को ना दारे में पड़ी कोडी कोडी पुराने दिमाग की दरिचे बना ली अरे एकदम पुराना जमाना है बना ना 65 साल की 65 साल की हो गई थी मेरा नाम सुन रहा है मेरे पास 65 साल की बना है नमक करो कौन सा काम है गांठ तो बड़ी बस उत्ती मार की फिर तो ज्यादा टाइट हो जाएगा दीदी हो जाऊगा दो ही दिमाग नहीं करते मेरा रसगुल्ला तो खवा दो ले रसगुल्ला की छोड़ दो अपना लोटना हो रहा है मैंने जियो तो रसगुल्ला तो सोच के किलो अब तो त्योहार पे महंगी हो गई ज़्यादा दे दिया मैं पार्ट का दे दे मेरे तो तेरा काम करना किसी के भी काम करना रहा है साल भर का त्यौहार है जी कुछ भी ना आए तो नु यार अपना ठीक है दे दे सुगंध दे दे जी मैं तुम्हें थोड़ा पार्ट का दे दे ये तो राजेंद्र ने याद करा सर के राम करना याद करा सुनील कौन जो मेरे मम्मा तो दोनों मेरा मर गए हम बेचते मंगाल दी सिम ऊपर धर दो हम तो खा लेंगे मैं फिर तो सुनाऊंगा मैं कि बेसुरा काम करके लिए सब खिचड़ी बना ले सब के काम
ਕਮਰੇ ਜਨਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਨੂ ਬਲੇ ਬਾਈ ਜਾਟ ਦੇ ਅਨੂ ਕੋ ਬਾਈ ਬਾਗ ਲਾ ਲੋ ਨਾ ਮਿਲੋ ਤੇ ਪੱਲੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੋਦਾ ਕਚਰੀ ਦਵਾ ਛਿੜਕਾ ਮਾਰ ਕਚਰੀ ਤਾਂ ਇੰਗੇ ਨਾ ਬਾਜਰੇ ਬੂਜਰੇ ਮੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਜਰੇ ਬੂਜਰੇ ਮੇ ਸਮਾ ਕੇ ਬਾਜਰੇ ਮੇ ਵੀ ਦੁਆਰ ਮੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਰੇ ਕੰਦਾ ਪਥਵਾ ਕਿਤਨਾ ਹੋਆ ਸਾ ਹਾਂ ਦਵਾ ਛਿੜਕਾ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾ ਤੋ ਦੇਖ ਜੀ ਕਚਰੀ तो भाई देव के पापा गए थे खेत में और खेत में से लाए हैं बहुत सारे घिया यानी कि लौकी। और लौकी की सब्जी बच्चों को पसंद नहीं आती तो बच्चे बोले मम्मी इसका कुछ नई डिश बना लो। तो हमने सोचा तीज त्योहारों का टाइम चल रहा है तो क्यों ना इसका कुछ नया बना के देखें। तो नया क्या, घिया की बर्फ़ी तो लौकी की बर्फ़ी तो आप सभी ने खाई होगी और नहीं खाई और नहीं देखी तो आज हम आपको सिखाते हैं लौकी की बर्फ़ी कैसे बनती है। तो चलिए बनाते हैं लौकी की बर्फ़ी। तो सबसे पहले हमने सभी घियाओं को धो लिया है और अब हम इनको छीलकर इनके अंदर से बीज निकाल लेंगे और फिर कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं कैसे बन जाती हैं।